इट्स डे 22 एंड दैट्स हाउ माई फिजिक लुक्स। सबसे पहले मैं घर पे करूंगा लेग वर्कआउट, लेट्स सी दैट। स्टार्ट मैंने करी 100 स्क्वाट से, क्योंकि ये बेसिक लेग वर्कआउट है और कोई भी वर्कआउट इसके बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। इसके बाद मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लंजेस करे। अगर आपको बिना सोचे कभी हल्की फुल्की लेग की वर्कआउट करनी है तो स्क्वाट्स एंड लंजेस कर लीजिए, इतना काफ़ी रहेगा। बट असली चैलेंज चाहिए तो एक्सप्लोजिव वर्कआउट ऐड करनी पड़ेगी, जैसे जंपिंग स्क्वाट्स। आज मुझे बहुत काम था तो इसलिए मैंने वर्कआउट को इतना ही रखा। भाई मेरी वर्कआउट तो ओवर हो चुकी है और आज फिर मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, वापस मैं जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रेन में रहेगा। तो दूसरी वर्कआउट आज मैं सिर्फ 10,000 स्टेप्स वॉकिंग को ही कंसिडर करूँगा। वैसे 10,000 स्टेप्स में 45 मिनट से तो कई गुना ज़्यादा लगता है, मे बी इसका डबल टाइम लगता है। बट इसके अंदर जो कैलोरी बर्न होती है वो उतनी ही होती है जितना 45 मिनट में एक अच्छी खासी कार्डियो। तो इसीलिए अगर मैं कभी एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं कर पाता तो 10,000 स्टेप्स एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसका। अभी लंबा ट्रेन का सफ़र है, कुछ हैवी ना खाते हुए मैंने लाइट खाना खाया जो ईजीली डाइजेस्ट हो जाए। अभी इन सब की भी पैकिंग करनी है, वैसे ट्रेन मेरी थोड़ी लेट हो चुकी है बट कोई नहीं, बचे हुए टाइम में बाकी प्रिपरेशन कर लूँगा। आज ट्रेन में खाना नहीं मंगाया इसलिए ये पनीर की सब्ज़ी और 5 रोटी लेकर जा रहा हूँ। और ये जो बगल में लड्डू रखे हैं ना, ये लड्डू मैं ले जाना भूल गया, अभी यहाँ तो दिखा दिया बट इसे रखना भूल गया था मैंने। ये लड्डू लाया होता तो इसके बारे में बताता, ये मेरी मम्मी ने बनाया है और इसमें सिर्फ कोकोनट थी और हनी था, दैट्स इट। मेरा वर्कआउट और स्टेप्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, अभी मैं ट्रेन में हूँ। अभी बचा है सिर्फ बुक रीडिंग और अभी खाना भी मेरा थोड़ा बचा है रात का। यहाँ पर सारा सामान मैंने निकाल कर रख दिया जो कि मुझे कल सुबह तक ज़रूरत पड़ेगी, और बैग मैंने नीचे रख दिया क्योंकि मुझे अपर बर्थ मिली है और इसमें काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है सामान के साथ बैठना। सो जो रोटी सब्जी बताई थी वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, और ये केले मैंने लिए थे, और कुछ एक सेकंड, ये मखाने और ये मूंगफली मैंने सुबह के लिए रखी हुई है। सो यही सब मैं खाऊंगा, मैं ऑर्डर नहीं किया हुआ है फूड क्योंकि राजधानी में फूड मंगाते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो मैं इस चैलेंज में नहीं खा सकता। सो इसीलिए मैं अपना पहले से ही पूरा जुगाड़ करके रखा हुआ है। बुक मेरे पास है और ये बुक जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, थोड़े से पेजेस बचे हैं, बट मैं न्यू बुक ले चुका हूँ और आपने जो मुझे पिछली वीडियो में जो भी रिकमेंड किए थे बुक उन्हें मैं डेफिनेटली देखूंगा। और ऑब्वियसली इस चैलेंज के अंदर मैं 3-4 बुक पढ़ पाऊंगा, जिस जितने डेज़ हैं उस हिसाब से देखा जाए तो उनको मैं तब लूँगा। अभी मैंने कौन सी बुक ली है वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। अभी बैग मेरा नीचे पड़ा है, उसे मैं अभी बिल्कुल निकालना नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से अंदर डाला है। आज है डे 23 और आज वर्कआउट का टाइम बहुत कम मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर समय तो मैं ट्रेन के अंदर ही रहूँगा। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता था मैं कहाँ और कब वर्कआउट करूँगा। लेट्स होप कि मेरा ये चैलेंज यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए। ट्रेन के लेट होने के कारण मैंने ब्रेकफास्ट मंगा ही लिया था, जिसमें मैंने ब्रेड लिया, ऑमलेट ली, और मैंने उसे रिक्वेस्ट करके 2 बॉयल्ड एग भी मंगवा लिए। साथ में मैंने आपको बताया था कि मैं मखाने और मूँगफली लेकर आया था जो कि काफ़ी बढ़िया डिश है। दिन में मैं पहुंचता हूं स्टेशन और अभी एक ट्रेन और पकड़नी है। दिन का खाना भी मुझे स्टेशन में करना पड़ा, मुझे हेल्दी खाना चाहिए था। सो ये काफ़ी डिसेंट सा ही खाना था, छोले और रोटी, वो मैंने किया और फिर मैं अपने स्टेप्स पूरे करने लग गया। इसके बाद मैं स्टेशन में ही 10,000 स्टेप्स पूरे करने लग गया क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 3 घंटे लेट है और मैं अपने घर पहुंचूंगा 9-10 बजे, पता नहीं वर्कआउट कब होगी। बीच बीच में पानी का इंटेक मैं ले ही रहा था, बस अब एक 45 मिनट की वर्कआउट बची थी और एक बुक रीडिंग। और ट्रेन का वेट करते करते तो मैं थक ही गया था, बहुत लेट ट्रेन आई, बट जैसा सोचा था काफ़ी लेट मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचा। सो रात के बज रहे हैं 10 और अभी अभी मैं घर आया हूँ। मेरी हालत आप देख सकते हो, पूरा 15-20 किलो का बैग ढो के 10,000 स्टेप्स पूरे करे हैं और रात हो चुकी है।
अभी मैं अपनी 45 मिनट की वर्कआउट करने जा रहा हूँ। खाना मैं बाहर से लेकर आ गया था, मतलब बाहर से भी सब्जी वगैरह और ऑमलेट, ऐसे हेल्दी खाना ही लेकर आया हूँ। बट खाऊंगा तब जब पहले अपने 45 मिनट की वर्कआउट करूँगा। और ये आप में से अगर याद होगा, जो मैंने लास्ट चैलेंज किया था वन पंच मैन वाला, वही मैं अभी करने वाला हूँ इन 45 मिनट में, एक्सेप्ट रनिंग। 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 100 क्रंचेस एंड 50 पुलअप्स। ऑल दोस में पुलअप्स नहीं होते रियल वन पंच मैन वाले चैलेंज में, बट मैं वो 50 पुलअप्स अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा। सो लेट्स डू दैट। लास्ट कंक्लूजन बचा है जो डे 24 में पूरा होगा, यानी कल। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।